अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ नईम, आप देख रहे हैं मिल्की फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं बहुत ही आसान बेकिंग, वो भी घर बैठे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। मैं आपको सिखा रहा हूं आलमंड से बिस्किट बनाना। रेगुलर रेसिपी है लेकिन टेस्ट बड़ा डिफरेंट होगा, हर जगह से मिल भी जाती है, आपने यकीनन ट्राई भी किया होगा, लेकिन ये जो रेसिपी होगी ये आप इंशाल्लाह ताला भूल जाएंगे हर आलमंड बिस्किट को। आज इस रेसिपी को फॉलो करना है, झटपट बनने वाली है इंशाल्लाह ताला। एक अदद बॉल लेते हैं और आते हैं रेसिपी की तरफ। एक अदद बॉल ले लिया हमने और साथ लेंगे स्पैचुला। सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर मक्खन, और मक्खन आपने लेना है रूम टेम्परेचर का, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, और हमने इसको बनाना है हाथ से, ठीक है, कोई बीटर नहीं यूज़ करेंगे। घर में क्या प्रॉब्लम होती है, जो ख़वातीन जो प्रॉब्लम कर रही होती हैं कि सर बीटर सही नहीं होता और स्पीड सही नहीं है, टेंशन फ्री होके बनानी है रेसिपी, हाथ से बनानी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मक्खन चला गया, मक्खन के साथ डालेंगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर के बाद हमने क्या करना है कि हाथ से प्रॉपर मिक्स करना है। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से आपने आइसिंग शुगर और मक्खन को मिक्स करना है। अच्छा जी, एक चीज़ और गाइड करूं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कोई भी बेकिंग इक्विपमेंट वगैरह आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाके www.bakehouse.tk पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और वीडियोज़ के नीचे दो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे होते हैं, वो भी आप ऑनलाइन अगर आप मंगवाना चाहें कोई भी चीज़ तो आप मंगवा सकते हैं ईज़िली। और इसके अलावा मुझसे अगर आपने बात करनी है तो मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर वीडियोस के नीचे स्क्रीन पर आ रहा होता है, आप मुझसे भी रابطہ कर सकते हैं। चलें, ये देखा आपने आइसिंग शुगर और मक्खन रूम टेम्परेचर कहा था, तो बहुत ही इजी हमने इसको मिक्स कर लिया। अब आपने क्या करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से, जब ये आपको लगे कि मक्खन और आइसिंग शुगर अच्छे तरीके से मिक्स हो गई, फिर हमने इसके अंदर मैदा डाल देना है। मैदे के बाद बेकिंग पाउडर। रेसिपी की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, रेसिपी पूरी मेंशन कर दी जाती है, वीडियो को पूरा देखा करें। और ये हम डालेंगे 2 पिंच जितना वनीला पाउडर। वनीला पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता, इसलिए कि कड़वाहट आ सकती है, सिर्फ टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा अरोमा आता है इससे। तो हमने क्या करना है कि अब इसको भी प्रॉपर मिक्स कर लेना है। और हमारे पास है आलमंड, ये देख लें, जो कि मैंने पाउडर नहीं यूज़ किया, खुद ही आलमंड को बेलन की मदद से पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, यानी कि आपने मार्केट का जो आलमंड पाउडर होता है वो नहीं यूज़ करना, साथ ही आपने आलमंड पाउडर भी डाल देना है। अब करना है आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। जैसे ही आपका मिक्सर ये पूरा मिक्स हो जाएगा, फिर आपने इसको थोड़ी देर रखना है ठंडे में, यानी कि आप इसको फ्रीज़र में या फ्रिज में 10 से 15 मिनट आप इसको ठंडा करेंगे। ठंडे करने का मकसद क्या होता है कि ठंडा इसलिए किया जाएगा, जब हम इसके कटर के साथ इसको काटेंगे तो बहुत ईजिली आप उसको हैंडल कर सकें और आप ईजी उसको उठा के ट्रे में रख सकें। अगर ये मिक्सर ठंडा नहीं होगा, बन तो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम होगी। चले जी, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सर हमारा कंप्लीट की तरफ है। टेक्सचर आपको दिखा देता हूँ इसका, और जैसे कि मैंने बताया कि 10 से 15 मिनट हम इसको ठंडा करेंगे, ठीक है। ये देखें, टेक्सचर चेक करें इसका, आप इसका लुक देख लें। अब इसको करते हैं ठंडा और फिर इसकी कटिंग करके इसको करेंगे बेक। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे 15 मिनट के बाद। आलमंड बिस्किट्स, अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, पिसी हुई चीनी 125 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, बादाम कटे हुए 125 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, वनीला पाउडर 2 चुटकी। तरकीब, एक बोल में मक्खन और आइसिंग शुगर लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें मैदा शामिल करके मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें वनीला पाउडर भी शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में आलमंड पाउडर शामिल करके 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा कर लें।
फ्रिज से निकालकर कटर की मदद से मिक्सचर को अपनी मर्जी की शक्ल दें और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लें। इसके बाद बिस्किट्स को चॉकलेट से अपनी मर्जी के मुताबिक डेकोरेट कर लें। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 मिनट हम इसको मिक्सर को ठंडा करेंगे, उससे क्या होगा कि जब हम इसको काटेंगे कटर के थ्रू तो बहुत इजी हम इसको, ये देखें ये बहुत ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको निकालते हैं टेबल पर और इसको बेलते हैं। चलें, ये हो गया। अब इसको करते हैं एक जान और थोड़ा सा लेना है सूखा मैदा। अब यहां क्या करना है, आपने कोई टेंशन नहीं ले रही खवातीन जो घर में जैसे रोटी बना रही होती हैं, सेम प्रोसेस वही है, हल्का सा मैदा छिड़कना है आपने। बहुत इजी तरीके से इंशाल्लाह आपको बताऊंगा ताकि इजीली आप घर में बना सकें बिना किसी टेंशन के। ऐसे रोल किया आपने, एक अदद बेलन चाहिए हमें, बेलन चाहिए, छुरी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया मैदा चाहिए सूखा, हमें डिफरेंट कटर्स जो आपको नीड हो आप वो ले सकते हैं, मैं ये दो कटर यूज़ करूँगा। अब हमने क्या करना है, और एक अदद हमें ट्रे भी चाहिए। तो ये आ गई हमारे पास ट्रे जिसमें हम करेंगे बेक। अब ये जो प्रोसेस है ये आपने बड़े ध्यान से देखना है, हल्का सा मैदा छिड़कना है आपने इस तरीके से, और हल्का सा ऊपर भी मैदा छिड़कना है, और ये हाथ की मदद से आपने इसको प्रेस करना है। हल्का सा मजीद मैदा छिड़केंगे बिना किसी टेंशन के, नाइफ नीचे से ताकि ये चिपके ना। अब आपने बेलन की मदद से, जैसे कि मैंने बताया ख्वातीन घर में रोटियां बनाती हैं, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा वज़न नहीं डालना है इसके ऊपर, हल्के हाथ से इसको बेलना है और एक साइज़ रखना है अपने हिसाब से कि कितना मोटा इसको रखना है हमने या कितना पतला करना है, ये भी आपको अभी बता देता हूँ मैं। फिर अगेन यही प्रोसेस, ये नाइफ इसलिए कि नीचे चिपके ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया अपने हिसाब से इसका साइज रखना है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे, ऐसा ना हो कि बेक होते हुए बहुत ज्यादा टाइम ले ले। हम इसको बेक करेंगे 170 पे और तकरीबन 20 से 25 मिनट। चले जी, अब कर लेते हैं इसकी कटिंग, आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। ये देखें, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना आपने, ये साइज़ रख लें, इससे मज़ीद आप पतला कर लें, इससे ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा, ठीक है। और डिफरेंट कटर यूज़ करेंगे, चलें जी ये सारे हमने काट लिए हैं। अब करते हैं इसको बेक, और जैसे कि मैंने बताया कि 170 पे इंशाल्लाह इसको हम बेक करने लगे हैं और तकरीबन 20 से 25 मिनट मुलाकात होगी इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट के बाद। एलमंड बिस्किट्स अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, पिसी हुई चीनी 125 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, बादाम कटे हुए 125 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, पनीरा पाउडर 2 चुटकी। तरकीब, एक बोल में मक्खन और आइसिंग शुगर लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें मैदा शामिल करके मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें वनीला पाउडर भी शामिल करके मिक्स कर लें।
आखिर में आलमंड पाउडर शामिल करके 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा कर लें। फ्रिज से निकाल कर कटर की मदद से मिक्सचर को अपनी मर्जी की शक्ल दें और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लें। इसके बाद बिस्किट्स को चॉकलेट से अपनी मर्जी के मुताबिक डेकोरेट कर लें। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह आलमंड बिस्किट हुए हमारे रेडी, ठंडे कर लिए हैं। अब थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। आप तो ऐसे भी सर्व कर लें, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही शानदार बने। हम इसको थोड़ा सा चॉकलेट में डिप करते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसका लुक चेंज करते हैं। कूलिंग रैक ले लेंगे, चॉकलेट्स मैंने मेल्ट की हैं वाइट और साथ में ब्राउन। जैसे कि एक चॉकलेट उठाई, ये बिस्किट उठाया हमने, इसके अंदर डिप किया एक साइड, अच्छा ये मिल्कीज फूड की मैंने रॉयल चॉकलेट यूज की है, और आपने इसको ऐसे हल्का सा डिप करना है, थोड़ा सा लुक चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना। इधर रख दिया, हल्के से आलमंड डाल दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पिस्ता डाल दें, ऐसे ही रख दें, सिर्फ थोड़ा सा हमने लुक चेंज करना था इसका बस। अच्छा जी, इसको वाइट में डिप कर देते हैं, मिल्की फूड की वाइट चॉकलेट, सेम इसी तरीके से। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि कस्टमर जो मतलब हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं, सिर्फ डेकोरेशन चेंज करें ताकि चीज़ का लुक अच्छा दिखे। ऐसे भी रख सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी है माशाल्लाह। ये भी मैं अभी आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। ये देखें, हल्का सा ये शेप हमने चेंज किया था इसका। चले चाहे तो इस पर भी डाल दें, ऐसे सादा रखना चाहे तो रख दें। ठीक है जी, आपने इस रेसिपी को एज इट इज़ ऐसे फॉलो करना है, और अगर ना इसको डिप करना चाहें चॉकलेट्स के अंदर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे ही आप इसको रख दें। एक बिस्किट मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी। ये देखें, बहुत ही शानदार ये रेसिपी। आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, और इसी के साथ हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलमंड बिस्किट्स, अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, पिसी हुई चीनी 125 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, बादाम कटे हुए 125 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, वनीला पाउडर 2 चुटकी। तरकीब, एक बोल में मक्खन और आइसिंग शुगर लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें मैदा शामिल करके मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें वनीला पाउडर भी शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में आलमंड पाउडर शामिल करके 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा कर लें। फ्रिज से निकाल कर कटर की मदद से मिक्सचर को अपनी मर्जी की शक्ल दें और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लें। इसके बाद बिस्किट्स को चॉकलेट से अपनी मर्जी के मुताबिक डेकोरेट कर लें।